अभी आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी की तिबी बुनियादों पर दरखास्त जमानत पर मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दे दिया है। जाती मौलज को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की सदा मंजूर कर ली गई। अदालत ने फरियाल तालपुर की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस अथर मिनुल्ला और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खसूसी बेंच ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्कलैंड केसेस में तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त जमानत की समाप्त की। अदालत ने फरियाल तालपुर की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अथर मिनुल्ला ने इस्तफसार किया कि क्या आसिफ अली जरदारी का कोई मेडिकल बोर्ड बना, जिस पर साबिक सदर के वकील फारूक एश नाइक ने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से मेडिकल बोर्ड बनाया गया था। चीफ जस्टिस अथर मिनुल्ला ने कहा कि पिम्स के हेड को कह देते कि वो मेडिकल बोर्ड बनाकर रिपोर्ट जमा करवाएं। इस मौके पर फारूक एश नाइक ने आसिफ अली जरदारी के जाती मालिज को बोर्ड का हिस्सा बनाने की सदा की, जिसको अदालत ने मंजूर कर लिया। अदालत ने पिम्स के हेड को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बीमारी के तायुन के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म देते हुए कहा कि 11 दिसंबर से कबल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।